मध्य प्रदेश के वन मंत्री एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ रात में डिनर करना चाहते थे, लेकिन विद्या बालन ने इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही दिन उनकी फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। विद्या बालन फिल्म शेरनी की शूटिंग करने बालाघाट आई थी। फिल्म शेरनी की शूटिंग बालाघाट में करने के लिए 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक मंजूरी ली गई थी। इस दौरान ही वन मंत्री विजय शाह ने मिलने की इच्छा बताई। 8 नवंबर को शाह भरवेली खदान के गेस्ट हाउस में रुके थे। शाम को वो विद्या बालन से मिलने पहुंचे, इसके साथ डिनर करने का ऑफर दिया गया, लेकिन विद्या बालन ने मना कर दिया। अगले ही दिन फिल्म की शूटिंग को साउथ डीएफओ ने रोक दिया। जब इसकी जानकारी मुख्य सचिव को हुई तो उन्होंने फिर से शूटिंग शुरू करने का निर्देश दिया। फजीहत होने के बाद वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि डिनर का इंतजाम जिला प्रशासन ने किया था। शूटिंग के दौरान जंगल में जनरेटर ले जा रहे थे, इसलिए रोका गया था, लेकिन यह सफाई किसी को हजम नहीं हो रही है। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश को शर्मसार करने वाले वन मंत्री को मंत्रिमंडल से सीएम को बाहर कर देना चाहिए। प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देकर कमलनाथ सरकार ने प्रदेश की छवि को विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम किया था। वहीं शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। अब मामला जो भी हो, लेकिन दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है और फिल्मों की शूटिंग रोकने के बाद से विवादों में आए मंत्री जी के बयान से साफ तौर पे लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है और उनके बयानों में भी लगातार दो तरफा नज़र आ रहा है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई है और नेताजी को ज़बरदस्त फजीहत झेलनी पड़ी है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.